సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీనాథాది గురుత్రయం గణపతి పీఠత్రయం భైరవం సిద్ధ కూటకత్రయం పదిగం త్రికమండలం వీరానశ్చుశ్రేష్ణోపం వీరావళి పంచకం శ్రీమన్మారణ మంత్రాశ్రయితం వందే గురుర్మండలం. तंत्र के क्षेत्र में शिवरात्रि, दीपावली की रात्रि और होली की रात्रि श्रेष्ठ कहलाए गए हैं. शिवरात्रि के आध्यात्मिक क्षेत्र में योग साधनाएं, आत्मा परमात्मा का मिलन, देवताओं का मिलन, देवताओं की जागरूकता, अपने आत्म का उद्धार, ये साधनाएं सब शिवरात्रि में की जाती हैं. दीपावली की रात्रि शक्ति की रात्रि कहलाई जाती है और होली की रात्रि आनंददायक रात्रि कहलाई जाती है. आनंद प्रदान करने की रात्रि को होली की रात्रि कहा गया है. इस होलिका के बारे में यह कहा जाता है कि हम सत्य युग में जब शिव पार्वती का विवाह की समस्या चल रही थी, माँ सती जी ने अपना देह त्याग दिया था और शिव जी उनके देह को लेकर घूम रहे थे, तो भगवान विष्णु ने उनके उस ताप संताप को देखकर कहा कि अगर शिव जी ऐसा ही संतापवान रहे तो संसार उनके संताप से जलता चला जाएगा. सारी देवताओं ने कहा कि माता सती के शव को लेकर शिव जी पूरा ब्रह्मांड घूम रहे हैं, अगर उनको शांत नहीं किया जाए, उनके संताप को शांत नहीं किया जाए तो सारा संसार जल उठेगा. इसके लिए क्या करना चाहिए? सभी लोग भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की कि आप कुछ करो. भगवान शिव जी के इसको देखकर विष्णु ने कहा मेरे को भी दूसरा तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं मेरे सुदर्शन चक्र को आह्वानित करता हूँ और कहता हूँ कि माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए जाए. जब तक वो शरीर रहेगा उनका संताप वैसा ही बना रहेगा, वो संताप तब तक नहीं हटेगा जब तक उनका शरीर उनके पास से दूर नहीं हटेगा. भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को भेजा और सुदर्शन चक्र उनके शरीर के टुकड़े करता गया. प्रधान टुकड़े उनके शरीर के जहाँ गिरे वह अष्टादश शक्तिपीठ कहलाए और सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े गिरे वो बावन शक्तिपीठ कहलाए. जब जब शिव जी संताप में देखते देखते देखिए देखते क्या है कि उनके शरीर सती का शरीर पिघल गया है, तो देखकर एकदम भगवान विष्णु की तरफ देखने लगे कि तुमने क्या किया, शरीर किस तरह तैयार किया. तो विष्णु ने शांत होकर कहा कि हे महादेव, योग और समाधि के आप त्राता हो, देवता हो, आप ही शांत नहीं होंगे तो इस संसार की गति क्या होगी. आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप शांत हो जाइए. जब शिव जी से सारे देवताओं ने, सारे लोगों ने प्रार्थना की और कहा कि आप शांत हो जाइए, तो उन्होंने कहा मेरी सती कहाँ है. तो उन्होंने अष्टादश शक्तिपीठों को और बावन शक्तिपीठों को बताते हुए कहा प्रभु जहाँ जहाँ शक्तिपीठ गए वहाँ आप लिंग रूप में वहाँ भैरव बनकर या शिव बनकर वहाँ रहेंगे जहाँ माता सती के शक्ति के टुकड़े गिरे हैं. शिव जी जब ये देखकर रहेंगे और एक समय के लिए उनके आंखों से जो अश्रु गिरे वही रुद्राक्ष कहलाए. इसमें हम सब लोग जानते हैं रुद्राक्ष एक मुखी है, द्विमुखी है, त्रिमुखी है, चतुर्मुखी, पंचमुखी, ऐसे 21 मुखी तक रुद्राक्ष है. लेकिन जो सती के संताप में आंखों से अश्रु गिरे और जो रुद्राक्ष बने उसे एक मुखी रुद्राक्ष कहा गया है और वह संसार का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष कहा गया. जिसके पास रुद्राक्ष होता है
स्वयं शिवजी उसके पास रहते हैं, क्योंकि वो रुद्राक्ष में माता सती के प्रति उन्होंने अपना प्रेम जताया, प्रेम बताया है। शिवाय और सती का ध्यान करते हुए समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ ऐसी समाधि लग गई शिवजी को कि उनको संसार का भान नहीं रह गया। जब मेरी सती ही नहीं रही तो मुझे संसार से क्या लेना देना। वे पूर्ण रूप से समाधिस्थ हो गए, योगी हो गए। ब्रह्मा विष्णु को यह चिंता भी बनाए नहीं, सताने लगी कि अब शिवजी अगर ऐसी समाधि लें जिसके ऊपर लोक कल्याण ना हो, किसी का कल्याण ना हो, वे ऐसे योग समाधि में चले गए तो जीवन कैसा होगा, आगे क्या होगा। सभी लोगों को चिंता लग गई। तब सारी महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली दुर्गा के रूप में सभी लोगों ने जाके माँ दुर्गा को, भगवती को, पराम्बा शक्ति को, आदिपरा शक्ति को प्रार्थना की कि शिवजी के लिए कुछ ना कुछ करो कि वे लोक कल्याणार्थ देखे। माँ तुम कुछ करना है। तो आदिपरा शक्ति ने कहा, मेरे आशीर्वाद के अनुसार मैं हिमवान की पुत्री बनकर जन्म लूंगी और मैं उनकी योग समाधि का वे समाधि को भंग करके लोक कल्याणार्थ उनको आगे लाऊंगी। उन्होंने पर्वत पुत्री हिमावान की पुत्री के रूप में पार्वती के नाम से जन्म लिया, बढ़ती गई। जब हिमवान पर्वत को लगा कि अपनी लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी चाहिए, लेकिन पूर्व जन्म के उस ज्ञान के कारण, संस्कृत के कारण, वह तो शिवजी को ही अपना पति मानकर बैठ गई। लेकिन जब हिमवान पर्वत को लगा और उनकी माता मेनका को लगा कि ये मैनाकिनी को लगा कि यह उस शिवजी को जो समाधिस्थ है, जो योग समाधि में बैठे रहते हैं, भस्म धारण करते हैं, मृगचर्म धारण करते हैं, हिमालय में ठंडी में बैठे रहते हैं, कभी भी समाधिस्थ रहते हैं, उनके जीवन में न कोई आनंद है न कोई सुख है, ऐसे घर में मैं मेरी बेटी को दूंगा तो मेरी बेटी सुखी होंगी क्या। जब उनको ऐसा विचार आया अब क्या करें। लेकिन यह बात पार्वती को भी नहीं कह सके क्योंकि पार्वती शिवजी से बहुत प्यार करती थी। तब भगवान नारद जी के पास हिमवान पर्वत ने और माता मैनाकिनी ने कहा कि मेरी बेटी की शादी शिवजी से कैसे हो, जो तो समाधिस्थ होके बैठे हैं और यह तो उनसे उनके साथ शादी करना चाहती है और यहाँ तो शादी होने की कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। वो किसी स्त्री को जब से सती चली गई है वो किसी को चाहते नहीं, अब क्या करना है आगे। तब महर्षि नारद ने कहा, हे माँ पार्वती, इस संसार में जितने भी कठोर व्रत है, जितनी भी कठोर तपस्या है, उनको प्राप्त करना क्या मामूली बात नहीं है। उनके अगर योग को, उनके समाधि को भंग करना चाहिए तो आपको तपस्या करनी। माता पार्वती ने नारद जी का कहना मानी और वह हिमालय में चली गई। उन्होंने कोई 5 वर्ष एक समय भोजन करते हुए तपस्या की, बाद में भोजन बंद कर दिया, फलों पर रहकर तपस्या की, बाद में फलों को बंद कर दिया, जल पर रहकर तपस्या की, और बाद में उसने केवल वायु भक्षण करते हुए तपस्या की। तब भी शिव अपने समाधि से लौट के नहीं आए तो सभी ने कहा कि शिव जी को तपस्या से लौटने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करने पर विष्णु ने कहा कि अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देते हो हे कामदेव भगवान, अब आप एक बार शिवजी के ऊपर भी अपना काम बाण छोड़ दो ताकि वो पार्वती को देखें और उनसे उनको ब्याह करने की इच्छा जागृत हो। काम को सभी देवताओं ने, सभी स्त्री देवताओं ने चढ़ाया कि शिवजी को उस योग समाधि से टूटते हुए संसार में आने के लिए अब कुछ करो। कामदेव को अपने बाण पर गर्व था, जो प्रेम काम का बाण है, उन्होंने फूलों का बाण बनाया, गन्ने की लकड़ी से बाण बनाकर उन्होंने समाधिस्थ शिवजी के ऊपर उस बाण को छोड़ा। जैसा ही बाण छूटा वसंत ऋतु आ गई, पूरे फूल खिलने लगे, मोर नाचने लगे, अच्छे सुगंध की वायु आई और अगर मामूली से मामूली मनुष्य होता तो इस प्रकार काम बाण से व्यथित हो जाता कि उसे कुछ न कुछ चाहिए, इस प्रकार हो जाता। लेकिन वह तो शिवजी समाधिस्थ थे, उन्होंने देखा कि इतना सुगंध, इतनी पुष्प वर्षा, इतने पशु पक्षियों की चलचराहट,
मोर का नाचना, सारे पशु पक्षी का आनंद, ये सब कहाँ से हो रहा है? मुझे आज वाले में ये सब कहाँ से आया? और उन्होंने अपने ध्यान में देखा कि यह सब कामदेव के बाण का असर है। कामदेव जैसे ही दूसरा बाण छोड़ना ही चाहते थे, शिव जी ने अपना तीसरा अंक खोला। जैसे ही तीसरा अंक खोला, कामदेव भस्म हो गए और वो कामदहन की विरा थी। ऐसा ही वसंत ऋतु था। सब जब कामदेव जब चल गए तो रति, कामदेव की पत्नी, विभ्रात हो गई। लोक कल्याणार्थ मेरा पति है, कार्य करना चाह रहा था। हे देवताओं, आपने मेरे पति को शिवजी के पास भेजा, आज मेरा यह तो पति तो जल गया, अब आगे कैसा? संसार में सभी को भी ये बाधा आरंभ हो गई। अगर काम जल जाता है तो प्रकृति का उपस्थापन कैसे हो? प्रकृति में स्त्री पुरुष कैसे मिले? स्त्री पुरुष का ये सौंदर्य कहाँ से जाए? और शिवजी समाधिस्त हो गए। शिवाजी जैसे शिवजी समाधिस्त हो गए, सभी देवताओं ने विचार किया कि ये क्या हुआ। भगवान विष्णु धैर्य करके शिवजी के पास गए और कहा, प्रभु ये आपने क्या कर दिया? संसार की सृष्टि कैसे हो? जब काम जल गया तो सृष्टि कैसे हो और ये आगे कैसे चले? क्या होना चाहिए इसके लिए? क्या आप सृष्टि को रोकना चाहते हैं? इस संसार में कुछ नहीं रहना चाहिए? विष्णु भगवान के कहने पर शिवजी शांत हो गए और कहा कि हे विष्णु, अब मुझे क्या करने के लिए कहते हो? तो एक बार फिर काम को जगा दो। काम जो दहन, जिसका दहन हुआ है उसको जगा दो। शिवजी ने कहा, जब मेरे तीसरे अंग से कोई जल जाता है तो वो फिर पुनः जीवित होना तो एकदम कठिन है, लेकिन मैं इसका उसको पुनर्जन्म देता हूं। जब हे विष्णु, तुम इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लोगे, तब यह तुम्हारे ही पुत्र होकर जन्मेगा और तब इसका रति के साथ विवाह होगा और वह समय संसार का सर्वश्रेष्ठ आनंदी समय होगा जब वह जन्म लेगा। फिर आनंद के साथ इस काम वृत्ति को, इस संसार के उस श्रृंगार को, उस सुंदरता को फिर जगा देंगे। तो बोले, तब तक सृष्टि कैसे हो? तब कहा कि यह अदृश्य रूप से सभी पुरुष और स्त्रियों में अपना प्रभाव दिखाने लगेगा। तब कामदेव अदृश्य रूप से अपना काम कर रहे थे और भगवान शिव जी ने कहा कि मेरी तपस्या क्यों भंग की? तो उन्होंने कहा, ये देखो, माता सती ने फिर जन्म लिया है और आज सूख कर लकड़ी हो गई है, वह वायु भक्षण करते हुए तुम्हारे लिए तपस्या कर रही है। शिवजी के मन में फिर प्रेम जागा। शिवजी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के पास जो तपस्या कर रही थी गए और उनके इसको कहा कि इस पार्वती से मैं बात करना चाहता हूँ। तो माता पार्वती ने कहा, कौन है? कोई ब्राह्मण आया है? ब्राह्मण आया है तो पूजा के लिए जाने से उसने फूल अक्षर सब लेकर गई और ब्राह्मण की पूजा करने गई। तो ब्राह्मण ने पूछा कि हे पार्वती, तुम क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो? इतनी कड़ी तपस्या किस लिए कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं शिवजी से ब्याह करना चाहती हूँ, शिवजी से विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए। तो ब्राह्मण ने हंस के कहा, उस शिवजी से जो शमशान में बैठा हुआ है, जो मृगचर में डालता है, जिसके पास कुछ धन है ना कुछ नहीं, स्मशान में बैठता है, समाधिस्थ बैठता है, जिसका नंदी वाहन है, जो शंख लेकर भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा के लिए घूमता है, ऐसे शिव से साधना करता है। अरे, कोई अच्छे देवता को क्यों नहीं चुनती जो तुम्हारे को पूर्ण ऐश्वर्य दे सकता है, सुख दे सकता है, आनंद दे सकता है? माता पार्वती का गुस्सा बहुत बढ़ गया और कहा, हे ब्राह्मण, और एक शब्द भी तूने आगे बोला तो तुझे श्राप दे दूंगी। मुझे, मैं शिवजी से प्रार्थना, मैं शिव से प्रेम करती हूँ और प्रेम में यह सब कुछ देखा नहीं जाता हो कि काला है, गोरा है, भिक्षावान है, क्या करता है क्या नहीं, ये सब देखा नहीं जाता। मैं केवल और केवल शिवजी से प्रार्थना, शिव से प्रेम करती हूँ, और तो आगे एक शब्द भी बोला तो शापग्रस्त हो जाएगा। तब ब्राह्मण के रूप में वीरधारी शिवजी प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो तो मैं हमारी शादी का समय, शादी का तिथि, शादी का मुहूर्त निर्णय करो। भगवान नारद, विष्णु, सब लोग, पुष्प वर्षा हुई, दोनों का फिर परिणय विवाह होना तय हो गया। विवाह हुआ। शिवजी पार्वती का विवाह हुआ। बात आगे चलती गई। त्रेता युग गया, सत्य युग गया, त्रेता युग गया, द्वापर युग आया।
भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। श्री कृष्ण गोपकुंड में जन्म लेकर गायों को चराने जाते थे। उन्होंने पहले पहले अपनी माँ से मिट्टी से प्रेम किया, गाय पशु पक्षियों से प्रेम किया, बाद में आयुधों से प्रेम किया, बाद में गुरु से प्रेम किया, बाद में अपने मित्रों से प्रेम किया, सुदामा जैसे मित्र भी थे। एक एक करते हुए बंधु बांधवों से प्रेम करते गए और उनको एक एक को करते एक एक को प्रेम देते देते हुए आगे बढ़ने लगे। समय आया कि संसार में कंस नाम का राक्षस है और वह बहुत सारी यवनवान लड़कियों को अपने कारागार में बंधन करके रखा हुआ है। वो दो ही शर्त लगता है, या तुम सुंदर हो तो मेरे साथ संभोग करो, मेरी मेरी हो जाओ, नहीं तो तुम्हें जेल में सड़ना होगा, यहीं रहना होगा, तुम्हें किसी को तुम्हारा पति कोई नहीं है। ऐसे उन्हें गोपिकाओं को जो सुंदर थी उनको उलाता, उनको अपने जेल में बंद कर देता और वह अर्थनाद से पुकारती थी, हे प्रभु हमें कौन छुड़ाए, इस कंस से कौन छुड़ाए, कंस ऐसे कर रहा है, किसी पुरुष का किसी पुरुष में शक्ति नहीं थी, गोपिकाओं में गोपिकाओं के माता पिताओं में शक्ति नहीं थी, ना भाई बहन में कि कंस के साथ कोई लड़े। लेकिन जब कंस के संहारार्थ कृष्ण और बलराम कृष्ण ने जन्म लिया और कृष्ण आए, कंस को उन्होंने मार दिया। कंस को मार देने की बात सुनते ही सारे कारागार खुल गए, गोपिकाएं बाहर आई और गोपिकाओं ने कृष्ण को देखकर हमारे को इस कंस के राक्षस से आपने छुड़ाया जो हमें बहुत सताता था, सब लोग कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगी। गोपिकाओं के माता पिता भाई बहन सब बाहर आए लेकिन कोई भी गोपिकाओं को अपने पास लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो कंस के साथ छिड़ी गई थी और कंस उनका यौवन बर्बाद कर दिया गया था। न कोई शादी करने के लिए तैयार है, न माता पिता घर को ले जाने के लिए तैयार है, न भाई बहन घर को ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये गोपिकाएं पूर्ण रूप से वो लोग थे कि ये पापी है। उन सब लोगों ने जब माता पिता बाहर थे तो सभी लोगों ने आने के लिए कहा तो उन्होंने कहा हमारे पास नहीं आने का, तुम पापी हो। सभी लोगों ने गोपिकाओं ने निश्चय कर लिया कि ऐसे जीवन से तो अच्छा हम यमुना में कूद कर अपने अपने प्राण त्याग दें। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि मैं सभी को आनंद बांटूं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, उसने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया और तुम्हारे ऊपर ही अत्याचार किया। अगर मैं तुम्हें बहन बोलकर स्वीकार करता हूं तो तुम्हारी शादी किसके साथ करूं, अगर तुम्हें बेटियां समझूं तो शादी किसके साथ करूं, तुम्हें माता समझूं तो मैं किसका किस प्रकार का सुख तुम्हें प्रदान कर सकूं। तो हे शक्तियां गोपिकाओं, मैं तुम्हारा पति बनकर तुम्हें यह जीवन दान देता हूं कि आज से तुम्हारे ऊपर कोई भी उंगली उठाकर नहीं दिखेगा, मैं पति बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उन्होंने 16,000 गोपिकाओं के साथ शादी रचने की बात की और गोपिकाओं का आनंद का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जो पति सामर्थ्यवान हो उस स्त्री को किसी प्रकार का डर नहीं रहता। और 16,000 गोपिकाएं कृष्ण की बन गई और उन्होंने कृष्ण के साथ रहा, तो कोई उंगली उठाकर ये बात कि तुम पापी है ये कहने का साहस नहीं कर सका, कोई ये बात नहीं कर सका कि तुम दुष्टांत हो, तुमने ऐसा समाज में तुम्हें आने के लिए नहीं। वो गोपिकाओं को भी सब लोग पूछते थे और कृष्ण ने गोपिकाओं के लिए एक सुंदर सा वृंदावन बनाया और कहा कि तुम यहाँ आनंद के साथ रहो, तुम्हें किसी प्रकार की कमी होने नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में आनंद सारा आनंद प्रदान करता हूँ, तुम्हें कोई पापी कहने की शक्ति नहीं रहता, चाहे भगवान भी हो। जब श्री कृष्ण की वासी वृंदावन का निर्माण हुआ और गोपिकाएं अपनी अपनी जगह रहने लगी, कृष्ण के अष्टभार्याओं में से कृष्ण को पुत्र की प्राप्ति हुई जो प्रद्युम्न मन्मथ नाम के नाम से जाना जाता था। उस मन्मथ के जन्म होने के बाद जो वो स्वयं कामदेव का ही अवतार था जो कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त हुआ, तो कृष्ण को अब लगा कि भगवान शिव जी का जो श्राप दिया हुआ है उस श्राप की निवृत्ति करें, उस श्राप को निकाल दें, इसके लिए क्या करना चाहिए। उन्हें बहुत सोचा कि कुछ ना कुछ तो विधान होगा। कृष्ण ने एक दिन 16,000 गोपिकाएं कृष्ण के पास आई और कहने लगे कि हे भगवान श्री कृष्ण, हम तुम्हारे पत्नियां तो कहलाई लेकिन ये तो बताओ कि हम उस रास को उस काम रस को हम किस प्रकार बांट लें, क्या करें। तो कृष्ण ने कहा मेरा बेटा मन्मथ आ गया है,
तुम्हारे शरीर में सभी में ओरस खुलेगा और मैं 16,000 शरीर बांटकर 16,000 कृष्ण के रूप में बढ़ जाऊंगा और मैं तुम्हें ओरस आज के दिन दूंगा। वह दिन था यही काम दहन का दिन, होलिका का दिन, और कृष्ण ने पूर्णिमा की उस रात में वृंदावन में रास लीला की रचना की। सारे 16,000 गोपिकाओं के साथ जब वो रास करने लगे, जब आनंद के साथ नाचने लगे, उनको वह रस देने लगे जो इस संसार में उनको प्राप्त नहीं हुआ था, जो आनंद उनको प्राप्त नहीं हुआ था वो रस प्रदान करने लगे, तो सारे इंद्रादि देवताएं, देवियां, अप्सराएं, ये सब लोग देखकर आनंद के साथ नाचने लगी। सभी लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है, सारे स्वर्ग में देवता हो या भू पर पशु पक्षी हो, सभी उस रास में नाचने लगे जहां कृष्ण नाच रहे थे। बात यह हुई कि माता पार्वती, पार्वती जी के साथ शिव जी बैठे हुए थे और माता पार्वती भी ध्यान मग्न थी। माता पार्वती ने कहा, प्रभु ये सुगंध कहां से आ रही है, ये इतना रस कहां से आ रहा है, इतना आनंद कहां से आ रहा है। शिव जी बोले, हाँ पार्वती मुझे भी वो आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, लेकिन कहां से आ रहा है इसका पता नहीं है, कहां से आ रहा है ये। सब लोग देखे और भगवान शिव ध्यान मग्न हो गए। ध्यान मग्न होते ही उन्हें दिखा कि कृष्ण अपनी रासलीलाएं नचा हुए, सारा संसार झूम रहा है, सारा प्रकृति झूम रही है, सारा पशु पक्षी गाय आदि सभी लोग अपने आनंद में नाच रहे हैं। शिव जी ने कहा कि मैं इतनी योग समाधि लगाया हूँ, समाधिस्थ रहा हूँ, लेकिन समाधि में मैंने योग के माध्यम से मेरी कुंडली जागरण की, मेरा वो सब कुछ लिया, मैं शांति अनुभव किया लेकिन आनंद अनुभव नहीं किया। मैं आज देख रहा हूँ कि कृष्ण ने आनंद को रचा है और ये आनंद प्राप्त करने के लिए योगी, साधु, सत्पुरुष, ऋषि सब लोग तड़पते हैं। तो माता पार्वती ने कहा, तुम तो समाधि के बारे में बात कर रहे थे, कुंडलिनी के बाद में बात मुझे बता रहे थे कि शांति चाहिए, अब तुम कृष्ण की रासलीला की प्रशंसा कर रहे हो। हे पार्वती, अब तो कुछ भी बात मत कर, मुझे कुछ समय के लिए छोड़ ही दे। बोले, क्यों? तू यहाँ रहकर उस आनंद को दे कि मैं आज तक समाधि में शांति अनुभव किया लेकिन आनंद अनुभव नहीं किया, और आनंद अनुभव करने के लिए अब जो मैं क्रिया करने जा रहा हूं तू उसे ऊपर से देख, सिर्फ देख। लक्ष्मी, विष्णु आदि सब खड़े थे, शिव जी ऊपर से उतर के आए और उन्होंने उस वृंदावन में अपने आप को गोपिका का रूप धारण किया, क्योंकि शिवजी के रूप में आते थे सब लोग उनके उनको देखकर अरे शिवजी भी नाचने लगे कहते थे। शिवजी ने गोपिका का वेश धारण किया और उस कृष्ण की रासलीला में स्वयं भी आकर नाचने लगे। सभी गोपिकाओं ने देखा, अरे ये कोई नई गोपिका आई है, सभी लोग जानते थे यह तो हमारे वृंदावन की गोपिका तो नहीं है। राधा भी थी, राधा ने देखा ये तो हमारी वृंदावन की गोपिका नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि नई गोपी आए का ये बहुत सुंदर है, ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण देखे और कहा कि प्रभु मैं तुम्हें नमस्कार, मन से ही नमस्कार करने लगे। तो शिव जी ने कहा, मेरे बारे में मत बता, मैं नाच करके उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आया हूँ, केवल मैं आज तक शांति अनुभव करने में श्रेष्ठता समझता था लेकिन आनंद अनुभव करने के लिए कहते थे गुरु जी की इस पृथ्वी पर देवता भी जन्म लेते हैं और आनंद केवल मानवों को ही साध्य है, ऋषियों को ही साध्य है, शांति सुख ये सब देवताओं के पास है, आनंद अनुभव करना है तो इस पृथ्वी पर जन्म लेना है। इसलिए हम सारे सन्यासियों के पीछे आनंद नाम निखिल शोनान जी, विवेकानंद जी, ये आनंद देखते हैं। सुख शांति की बात अलग है, आनंद अनुभव करना है तो तुम्हें पृथ्वी पर मानव लेकर, मानव का जन्म लेकर ही आना है। इस प्रकार जब शिवजी ही स्वयं उस आनंद को अनुभव करने के लिए रासलीला के लिए कृष्ण के पास आए और जब कृष्ण से विदा लेकर कहने लगे कि हे कृष्ण, इस आनंद को मैं नहीं कर सकता, मेरी योग समाधि से शांति से भी ये आनंद बढ़कर है, और जब कभी भी तुम पृथ्वी पर आओगे मैं भी पृथ्वी पर आऊँगा इस आनंद को प्राप्त करने के लिए। और शिवजी जब जाने लगे तो सारी गोपिकाएं और राधा कृष्ण की पास आकर कहने लगी कि ये तो बताओ ये गोपिका कौन थी। कृष्ण ने कहा कि इस रहस्य को तुम रहस्य रहने दो, नहीं तो मुझे वो गोपिका बहुत क्रोध करेगी। प्रभु हम किसी को नहीं बताएंगे, ये तो बताओ कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी तरह ये नाच रही है। तो उन्होंने कहा सभी लोग ध्यान मग्न हो जाओ और मेरे हाथ को पकड़ लो, तुम्हें वो गोपिका दिखेगी। सभी लोगों ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और जैसे ही ध्यान मग्न हो गई शिव जी ने अपना गोपिका का वस्त्र छोड़ दिया और शिव जी बनकर अपने कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। इसको देखकर सभी गोपिकाओं ने इतने ही धुन के साथ आनंद, इतने धुन के साथ नाचा कि उन्होंने कहा साक्षात शिव हमारे कृष्ण के साथ आनंद भोग करने के लिए इस वृंदावन में आए। और वह दिन आज का ही दिन था, वो होलिका का दिन था। हम सारी रात्रियों में, शिवरात्रि अगर ध्यान की रात्रि है, दीपावली की रात्रि
हम देखते हैं कि लक्ष्मी प्राप्त करने की रात्रि है, तो यह होली की रात्रि आनंद प्राप्त करने की रात्रि है। और इस दिन केवल और केवल हर देवता से, कृष्ण हो, विष्णु हो और किसी को भी हो, हम मांगे तो भौतिकता मांगे, हमारे को भौतिक सिद्धियां प्रदान करो, हम ऐश्वर्यवान बने, हम करोड़पति बने, हमारा बंगला हो, हम हमारे में सुंदरता हो, हम हमारे पति हमारे बच्चों के साथ आनंद अनुभव करें, ऐसी विद्याएं। बाकी के सब दिनों में हम कहते हैं तुम इस शक्ति के बारे में प्रार्थना करो, तुम इस सभी चीजों को छोड़ दो, योग लगा दो, कुंडली करो, साधना करो, ये कहते हैं। लेकिन आज की रात्रि ऐसी रात्रि है, तुम अपना सारा सुख इस रात्रि को, आनंद को प्राप्त मांग सकते हो और देवता देने के लिए तैयार है। ये भगवान कृष्ण ने कहा था, आज होली के दिन मैं रास रचता हूं, तुम्हें जो भी ऐश्वर्य चाहिए मांग लो, जो आनंद चाहिए मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। हम इस होलिका की रात्रि में यह मांगने के लिए ही बैठे थे, जैसा मैंने कहा सत्य युग में भगवान शिव जी ने काम दहन किया था, तो त्रेता युग में जैसे ही आए उस समय हिरण्यकशिपु नाम का राक्षस, आप जिसके बारे में जानते हैं, जो संसार में भगवान विष्णु का विरोधी था और विष्णु का विरोध करते हुए जीता था, वह नारायण की पूजा मत करो, शिव जी को या ब्रह्मा को पूजा करो, क्योंकि वो ब्रह्मा का पौत्र था, कश्यप प्रजापति का बेटा रहने के कारण। लेकिन उस हिरण्यकश्यप की शक्ति के सामने किसी का टिकना बहुत ही कठिन था, क्योंकि हिरण्यकश्यप को इस प्रकार का आशीर्वाद था कि उसको पृथ्वी पर जल में, थल में, पंचमहाभूतों में, आकाश में, मनुष्यों से, मनुष्यों के पशुओं से, सांप से, क्षीर कृटी कीटक से, बीमारी से, किसी प्रकार से भी मरण प्राप्त नहीं होगा, ऐसा आशीर्वाद उसे था। घर में, घर के बाहर उसे कोई नहीं मार सकते। और जब उसे वो वर प्राप्त हुआ तो वह पूरी तरीके से स्वच्छंद होकर सभी लोगों को त्रास देता और कहता कि भगवान विष्णु की पूजा बंद करो, तुम मेरी पूजा करो तो ही तुम्हें यहाँ रहने देगा। कितने ही ऋषि जो नारायण भगवान की पूजा करते थे और उनका होम हवन करते थे, तो हिरण्यकश्यप जाकर उनके हवन को ध्वस्त कर देता था और ऋषियों का गला काटता था, बोलो हिरण्यकश्यप की जय हो, ऐसा बोलो तो तुम यहाँ टिकोगे, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा, नहीं तो तुम्हारे विष्णु को बुलाओ। इसकी शक्ति को देखकर भगवान विष्णु भी परेशान होकर चले गए कि हमें आगे क्या करना है। विष्णु भी छुप गए। कितनी बार वैकुंठ को विष्णु हिरण्यकश्यप गया कि विष्णु को ढूंढने के लिए, जब भी हिरण्यकश्यप वैकुंठ जाता था तो विष्णु वहां से अपने आप को अदृश्य कर देते थे, वहां नहीं है, अरे मुझे देखकर भाग गया विष्णु, इस गर्व के साथ हिरण्यकश्यप बाहर आता था। लेकिन जब सभी देवताओं ने जाकर कहा कि हे प्रभु, अगर आप ही भाग गए तो इस हिरण्यकश्यप का मृत्यु, हिरण्यकश्यप को मृत्यु किस तरह प्राप्त हो, तो भगवान विष्णु ने कहा अरे मैं यार क्या करूं, ब्रह्मा जी ने उसको ऐसा वर दे दिया कि आकाश में, पाताल में, देवताओं से, राक्षसों से, पशु पक्षियों से, सरीसृपों से, बीमारी से, विष से, किसी से भी उसकी मृत्यु नहीं है, ना घर के अंदर है ना घर के बाहर है, अब कैसे मारूं, क्या करना चाहिए प्रभु, फिर इसका कोई उपाय नहीं है। अब उपाय मेरे पास तो नहीं, लेकिन इस संसार की सृष्टि करने वाली आदि पराशक्ति जो है उसी को प्रार्थना करता हूं कि वो क्या करेंगे। भगवान विष्णु ने आदि पराशक्ति की प्रार्थना की, कहा कि ऐसे दुष्ट राक्षस जिसने दुष्टता मचा के रखी है, इसके लिए क्या करना होगा। तो आदि पराशक्ति ने कहा मेरा ही रूप जो छिन्नमस्ता है उसकी आराधना करो, तुम्हें उपाय मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने छिन्नमस्ता की प्रार्थना की और कहा कि इस हिरण्यकश्यप को कैसे मारा जाए। तो छिन्नमस्ता ने कहा हे विष्णु, क्या तू तेरा मस्तक काटकर मुझे दे सकता है, मैं उपाय बोलती हूं। भगवान विष्णु को दूसरा कोई चारा नहीं था, उन्होंने अपना सर काटा और कहा माता ही मेरा सर ले ले। माता ने एक सिंह का सर काटा और उसके ऊपर रख दिया और कहा कि तू आज से नरसिंह कहलाएगा, तेरा उग्र रूप धारण कर ले। अब अपने निकृष्ण ने कहा था कि मैं मानवों के साथ नहीं मरूंगा, न मैं राक्षसों के साथ नहीं मरूंगा, न पशु पक्षियों से विषय, तो ये तो रूप अलग ही था, नर और सिंह, न नर कह सकते हैं उसको, न पशु कह सकते हैं, ऐसा रूप जब उन्होंने धारण किया। उन्होंने कहा था कि माता के गर्भ से जो उत्पन्न होने वाला मुझे कोई भी मार नहीं सकता, तो नरसिंह का जन्म स्तंभ से हुआ था। अब उन्होंने कहा था कि मुझे घर के अंदर कोई नहीं मार सकता, घर के बाहर नहीं मार सकता, ना रात्रि में मार सकता, ना दिन में मार सकता, तो भगवान विष्णु ने उसको, आप जिसे उम्बरठा कहते हैं, हिरण्यकश्यप को उसके ऊपर मारा और रात और ना दिन देखते हुए संध्या के समय मारा।
इस प्रकार छिन्नमस्ता ने उस विद्या उस बुद्धि को विष्णु को प्रदान की और नरसिंह रूप में आकर हिरण्यकश्यप को मारा गया। उसी हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसने भी तपस्या की थी, उसने तपस्या की थी और इस संसार में पंच महाभूतों को सिद्ध किया था, पंच महाभूतों को सिद्ध किया था, जिससे उसके उसको आकाश उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, पृथ्वी उसको उसको गाड़ के रखने पर भी वह पृथ्वी के अंदर नहीं मर सकती थी, न वायु उसका रोक देने पर वायु से नहीं मर सकती थी, न जल से न अग्नि में। तब तक ही हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद को समुद्र में फेंक दिया गया जल में, तो वो जल से बाहर आया, आकाश से ऊपर से नीचे गिरा दिया गया तो विष्णु ने उसको बचा लिया। अब सब तरीके से वो जीत गया था। अब एक ही मार्ग बाकी था, वो इसको अग्नि के साथ जला दिया जाए। तो हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि ये मुझे मेरा दुश्मन है, मेरा पुत्र, उसने भगवान नारायण की आराधना की है। और हिरण्यकश्यप ने कहा, हे होलिका, अगर मैं उसको लकड़ियों पर रखकर जलाने का प्रयत्न करूंगा तो ऊपर से कूद कर भाग जाएगा या चिल्लाएगा या फिर उसको रोकर रो आकर कोई ले लेंगे। तुझे तो अग्नि से जलने का कोई डर नहीं है, हे होलिका, मैं तुझे ऐसा कहता हूँ, उसको पकड़ कर तू बैठ जा और मैं अग्नि की चिता लगाऊंगा और वह जल जाएगा, बस खत्म, ये काम हो जाएगा। उसको ये पंच महाभूतों में मारने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मरा। आज मैं उसको अग्नि के माध्यम से उसको जला दूंगा। होलिका ने देखा कि भैया तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, लेकिन वो कह नहीं सकी क्योंकि उसको हिरण्यकश्यप का क्रोध मालूम था। उसने देखा कि भैया के इस बात को मानने से भी ये अच्छा है कि उसकी बात मान लें और भगवान के विष्णु को स्मरण करने वाले उस प्रहलाद को अपने गोद में रख लेने का तो एक चांस मिला, उसके साथ साथ अग्नि को भी बुला लूं। अग्नि को ले लेकर उसको जला दूं, भगवान विष्णु या उसका संरक्षण करेंगे या मेरा संरक्षण करेंगे। चिता की लकड़ियों को ला लिया गया, होलिका ने सहज रूप से प्रहलाद को अपने पास ले लिया, बिठा दिया और होलिका ने कहा कि हे प्रहलाद, तू क्यों तेरे पिता की बात नहीं मानता। उसने कहा, गलत कहने वाला अगर पिता भी हो या गुरु भी हो या माता भी हो या देवता भी हो, मैं उनको नहीं मानता, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, विष्णु का स्मरण करना गलत नहीं है, मैं विष्णु का स्मरण या नारायण का स्मरण कर रही हूँ, करते रहूँगा। तो होलिका ने कहा, अब तेरी इच्छा, तेरे को मानने के लिए हिरण्यकश्यप ने जल थल आकाश सब में प्रयत्न किया, अब आखिरी प्रयत्न है केवल अग्नि से तुझे जला देने का। और मुझे, हे प्रहलाद, तू जानता है मुझे अग्नि नहीं जलाती। तो उन्होंने कहा कि जहाँ मेरे विष्णु भगवान ने मुझे बचाया है, आज वो भी मुझे इस अग्नि से बचाएंगे, ये प्रहलाद का कहना था। प्रहलाद को उन्होंने गोदी में ली, बैठ गई और भैया को कहा कि तुम अग्नि जलाओ। अग्नि जला दी गई, वो जोर जोर से हंस कर कहने लगी कि हे प्रहलाद, तू जल जाएगा। ये सारे जो लोग थे, राक्षस थे, वो लोग भी चिल्लाने लगे कि हे प्रहलाद, तू जल जाएगा, अभी तो नारायण नहीं कहता ऐसा बोल, तू बोल नारायण का नाम स्मरण नहीं कहता, तू हिरण्यकश्यप जी की जय जयकार कर, हिरण्यकश्यप को भगवान मान। तब भी प्रहलाद नारायण नारायण ही कह रहे थे और इसकी उनकी नारायण की उस ध्वनि से अग्नि ने देखा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, प्रहलाद को तो जला नहीं सकता। और होलिका अपनी जगह ये थी कि प्रभु, मैं इस नारायण भक्त को मेरे पास लेके बैठी हूँ, अगर मैं जिंदा भी आती हूँ तो हिरण्यकश्यप मुझे मार देगा, मैं तुम्हारे नाम लेते हुए उस प्रहलाद की गोदी में लेकर बैठी हूँ, मुझे इस शरीर से उस विष्णु के तत्व को मुझे प्रदान करो और मुझे विष्णु तत्व की तरफ ले जाओ। सभी लोग, राक्षस आदि सब लोग देख रहे थे, लेकिन प्रहलाद बिना जले रह गए और होलिका जल गई। होलिका जब जल गई तो सब लोगों ने, जो दूसरे लोग थे, उन लोगों ने देखा, जो अब तक प्रहलाद जल जाएगा बोलकर राक्षस लोग चिल्ला रहे थे, अब वो भक्त चिल्लाने लगे जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयाधु, उनका उन्होंने उनके साथ आनंद के साथ प्रहलाद की उस शक्ति को देखकर बहुत ही जोश के साथ आनंद करते हुए कहा कि हम, मेरा प्रहलाद बच गया, और जोर जोर से हंसने लगी और हिरण्यकश्यप का अपमान हो गया। इसलिए कहते हैं कि जब होलिका दहन करते हैं, हम जोर से चिल्लाए और कहे कि हमारे पाप तापों का, जो नारायण के विरुद्ध काम करता है, वो जल रहा है, हम इसलिए आनंद मनाएं, आनंद के साथ रहें। आज वही होलिका दिन है, हम होलिका दहन अभी करेंगे,
मैंने इस बार होलिका का स्तोत्र दिया है। उस होलिका को जो हिरण्यकश्यप को, हिरण्यकश्यप की बहन थी लेकिन प्रहलाद की परम भक्त थी या नारायण की परम भक्त थी, जिसने अपनी गोदी में लेकर अपने आप को जलाकर भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को इस संसार में जगाया था और कहा था आज होलिका के दिन, होलिका दहन के दिन जो यह दहन करेगा उसको धर्मार्थ को काम मोक्ष की प्रार्थना होगी, उसको प्राप्त होगी, क्योंकि प्रहलाद इसमें प्रहलाद के साथ में जल रही थी और नारायण की जीत हो गई थी। आज आप इस होलिका दहन का कार्यक्रम करोगे तो आपके भी सारे पाप ताप दहन होकर धर्मार्थ काम मोक्ष को आप प्राप्त करेंगे। और उन्होंने कहा था कि सब लोग जलने के लिए एक एक गोबर की गठिया, जिसे आप